हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, आज मैंने अपने ट्विटर के पेज पे मैंने एक स्टॉक डाला था जिसका नाम है SPL इंडस्ट्री। और मैंने बोला था कि ये एक हिडन जेम है, ये थोड़ा मल्टीपल ब्रेकआउट पे भी है, तो मुझे ये लगा था कि ये अपने को 100% रिटर्न दे सकता है। तो इसीलिए मैं आपके साथ आज कनेक्ट हुआ हूँ कि चलो ये स्टॉक के रिलेटेड हम लोग एक रिव्यू करते हैं कि क्यों ये 100% रिटर्न दे सकता है। तो बेसिकली मैंने अब ये जो SPL इंडस्ट्री है, एक टेक्सटाइल कंपनी है जो कपड़े के रिलेटेड अपने काम रेडीमेड गारमेंट है और ये सब किचन गारमेंट रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, और ये इंडियन बेस्ड कंपनी है। इसका जो मेरा टारगेट है वो 87 और 115 का है। इसकी जो मैं बाइंग रिकमेंडेशन मतलब बाइंग जोन जो होता है वो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप 49 या 44 के आसपास इसको बाय करो, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 36 का रखो। मतलब स्टॉप लॉस और बाइंग रिकमेंडेशन के बीच में आप अगर बोल सकते हो तो 10-15 रुपये का गैप है, और अपना जो टारगेट है 87-115 और जो बाइंग जोन है उससे ऑलमोस्ट ये आपको डबल का रिटर्न दे रहा है। मतलब जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो भी बहुत अच्छा है। तो ये कंपनी मैंने क्यों सजेस्ट किया आपको एक लॉन्ग टर्म बाय के लिए, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या टेक्निकल रीज़न है, क्या फंडामेंटल रीज़न है, हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो पहले तो हम लोग टेक्निकल पे जाते हैं। टेक्निकल रीज़न क्या है जो मैंने आपको बोला था, तो ये जो है ये SPL इंडस्ट्री का मंथली चार्ट है। अभी स्टॉक ने बहुत सारे टाइम यहाँ पे 45-44 का लेवल है वो ब्रेक करने की ट्राई की थी। मैं ये जोन को थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा इसके रिलेटेड। ये जो ग्रीन जोन है वो उसका जोन था जहाँ से वो स्टॉक ऊपर ही नहीं जाता था कभी भी, और वो जोन था उसका हाई था 45। तो अगर ये 45 ब्रेक करता है तो हम लोग इसका 87 के बाद 115 और शायद ये 150 रुपये तक भी जा सकता है। तो इसमें ऐसा क्या रीज़न है, देखो 2006 में इसका प्राइस 45 था, अगर आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। 2006 के बाद इसने स्टॉक ने ब्रेक कर दिया था और ऑलमोस्ट नीचे आ गया था 4 रुपये तक। अगर आप ये जो लेवल है वो देखोगे तो दिस इज़ 4 रुपीज़, ऑलमोस्ट 4 रुपया हो गया था। तो मतलब यहाँ पे ऐसा क्या हुआ था जो बड़े प्लेयर्स को लगा था कि ये स्टॉक में कुछ नहीं है, ये कंपनी में कुछ नहीं है, सब लोग इससे एग्जिट हो गए थे। उसके बाद अगेन इन 2008 ये कंपनी मतलब ये स्टॉक ने ट्राई किया था 45 लेवल ब्रेक करने का यहाँ पर ये ब्रेक नहीं कर सका ड्यू टू सम रीज़न, और फिर नीचे आ गया आफ्टर, ये था 2008 के बाद वापस से 2016 में स्टॉक ने ट्राई किया था ब्रेक करने का, 45 लेवल ब्रेक नहीं किया। वापस से अभी 2018 में इसने ब्रेक करने का ट्राई किया था लास्ट मंथ, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो उसने ब्रेक कर दिया था फिर वापस से नीचे क्लोज़ हो गया। और अभी जो ये करंट कैंडल है ये ऑलमोस्ट 45 का लेवल ब्रेक करके अभी 53 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली ये स्टॉक ने हाई मारा था 59 का। तो मैंने आपको यही बताया कि हमें अभी नहीं लेना है, हम लोग को ये लेना है 44 और 49 के जोन में, ठीक है, तभी वो लेने के बाद उसका स्टॉप लॉस लगाना है 36, और वो लेने के बाद अपना टारगेट रहेगा 87 और 115 का। तो टेक्निकल रीज़न ये बनता है कि देखो ये जो मंथली का चार्ट है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और ये दिस इज़ फिफ्थ टाइम में उसने ब्रेकआउट दिया है। जनरली मंथली के चार्ट पे अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो उसे हम लोग मल्टी ईयर ब्रेकआउट बोलते हैं। मल्टी ईयर ब्रेकआउट मतलब बहुत सारे टाइम के बाद वो स्टॉक ने वो एक लेवल को क्रॉस किया है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न भी एक क्रिएट हुआ है। देखो ये एक कप जैसा पैटर्न क्रिएट हुआ है और ये उसका एक हैंडल है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन फॉर द स्टॉक। तो हमारा इसका टारगेट रहेगा 87 और 115। जैसे जैसे ये स्टॉक्स चलेगा वैसे वैसे मैं अपने ट्विटर पे अपडेट करते रहूँगा कि इसमें प्रॉफिट बुक कैसे करना है, क्या करना है। तो ये तो रहा उसका टेक्निकल रीज़न, बट हम लोग उसका फंडामेंटल भी देखते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कंपनी में। हम लोग इसकी बैलेंस शीट भी चेक करते हैं कि जिसके रिलेटेड ये स्टॉक अभी चल रहा है। तो उसका अगर हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे तो ये देखो ये स्क्रीनर डॉट इन है। कभी भी आपको किसी कंपनी के बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना है तो स्क्रीनर डॉट इन में जाना चाहिए। स्क्रीनर डॉट इन बहुत ही अच्छा डेटा प्रोवाइड करता है। स्क्रीनर अभी देखो बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम लोगों को सिर्फ तीन चार चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है देखने के लिए। पहला तो होता है सेल्स, फिर नेट प्रॉफिट होता है, फिर उस कंपनी का डेप्थ और रिज़र्व का कॉलम होता है। तो पहले हम लोग सेल्स देखेंगे। तो देखो कंपनी में पहले इतनी सेल्स नहीं होती थी, 39 करोड़, 45 करोड़, 59 करोड़, और अभी अचानक से वो डेटा मतलब 3 टाइम्स हो गया है।
59 करोड़ वाला 150 करोड़, 151 करोड़, 171 करोड़, 172, 141, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से सेल्स इंक्रीज़ हो गए हैं। उसके बाद अगर आप लोग नेट प्रॉफिट देखोगे तो प्रीवियसली कंपनी माइनस मतलब नेगेटिव, बहुत ही नेगेटिव ज़्यादा रिटर्न दे रही थी, पर अभी अभी कंपनी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था। और पॉजिटिव रिटर्न के बाद अभी देखो ये 52 लाख, उसके बाद 8 करोड़, फिर वापस से 1.5 करोड़, फिर 5 करोड़, और अभी रिसेंटली 17 करोड़ का एक रिटर्न दे दिया है स्टॉक ने। तो अगर हम लोग ये सारी चीज़ों को एक लेवल पे लाते हैं और एनालाइज़ करते हैं कि कंपनी के अंदर कुछ अच्छी चीज़ हो रही है जो शायद हम लोग को आगे जाने के बाद फ़ायदा दे सकती है। अगर हम लोग इसका रिजर्व्स और बोरोइंग देखेंगे तो अगर आप ये देखोगे तो पहले कंपनी के पास बहुत सारी बोरोइंग्स थी और अभी रिसेंटली कंपनी ने वो बोरोइंग्स को कम कर दी है। तो बोरोइंग्स बंद कर कम कर दिए, उसका रिजर्व्स बढ़ गए, वो भी एक अच्छा एक पॉजिटिव साइन है। दूसरा, अगर आप एक वेबसाइट है, अगर आपको इतना डिटेल एनालिसिस नहीं करना है, आपको एकदम डायरेक्ट पता लगाना है कि क्या है क्या नहीं है, कंपनी के बैलेंस शीट अट्रैक्टिव है या नहीं है, तो आप मार्केट मोजो करके एक वेबसाइट है उसके अंदर जा सकते हो। और वहाँ पे आप जाने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, देखो इंडस्ट्री कौन सा है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंपनी है। ये एक माइक्रो कैप कंपनी है, इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बहुत छोटा है, 155 करोड़। कंपनी की पीई अभी 9 की है। यहाँ पे इंडस्ट्री पीई जो है वो गलत दिखा रही है, एक्चुअली इंडस्ट्री पीई अभी 60+ है, आप मनी कंट्रोल में जाके देख सकते हो। कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होता है, जो चीज़ को लेके मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड होता हूँ, वो अभी 0 का है। ये बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ है, एक तो कंपनी के ऊपर डेब्ट भी नहीं है और कंपनी अभी प्रॉफिट भी अच्छा कर रही है, तो एक अच्छा साइन है एक मल्टी बैगर के लिए। दूसरा जो होता है प्राइस टू बुक, जनरली प्राइस टू बुक ये वाला जो चीज़ है, अभी कंपनी का 2.2 है। अगर 3 से ज़्यादा होता है तो इतना अच्छा नहीं होता है, बट ये 3 से नीचे है तो इट इज़ अट्रैक्टिव राइट नाउ। और हम लोग फिर इसमें जाएंगे, देखेंगे व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ नॉट। हम लोग ये वाले कॉलम में जाएंगे, आप अगर यहाँ पे चेक करोगे तो देखो यहाँ पे उसके कंपनी का सेल्स भी 272% से ग्रो हो रहे हैं, उसके जो क्वार्टरली सेल्स है वो भी ग्रोथ हो रहे हैं, उसका जो अगर आप टर्नओवर देखोगे तो वो भी ग्रो कर रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत उसके अगर आप यहाँ पे देखोगे नेट सेल्स में और नेट सेल्स क्वार्टर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, बट ओवरऑल अगर हम लोग सब चीज़ें मिला के हम लोग एक चीज़ डिस्कस करते हैं तो स्टॉक अभी मंथली में ब्रेकआउट दे रहा है, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग। दूसरा बहुत है जो नेट प्रॉफिट हम लोग ने जो यहाँ पे देखा था, वो नेट प्रॉफिट भी अच्छा इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब मोटा मोटी हम लोग इसमें 10-15 रुपये का रिस्क लेके, जो मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया वो स्टॉप लॉस लगा के हमारे बाइंग रेंज के आसपास बाय करके हम लोग वेट कर सकते हैं फॉर 100% रिटर्न। तो नथिंग स्पेशल, आज मुझे आप लोगों को सिर्फ ये कंपनी के बारे में डिस्कस करना था कि ये भाई एक स्टॉक है जो शायद अपने को 100% रिटर्न दे सकता है। अगर आपको ये चीज़ अच्छा लगा है तो आप किसी फ्रेंड को आप बता सकते हो, तो आप इसको शेयर कर सकते हो और आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप नए हो तो। थैंक यू।